क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या काफ़ी निराशाजनक हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि हम हार नहीं मानना चाहते, आप मैदान छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अपनी भलाई की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए चलिए टैपिंग करते हैं। हालांकि मैं अपनी प्रगति से निराश हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं वैसे भी खुद से प्यार करना और स्वीकार करना चुनती हूँ, हालाँकि मैं अपनी प्रगति से निराश हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं वैसे भी खुद से प्यार और सम्मान करना चुनती हूँ, हालांकि मैं अपनी प्रगति से निराश हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पाने से निराश हूँ, मुझे वो परिणाम नहीं मिल रहे जो मैं चाहती हूँ, या मैं उन्हें पर्याप्त तेज़ी से प्राप्त नहीं कर रही हूँ, और मेरा एक हिस्से ने बस हार मान ली है, और भले ही मैं अपने परिणामों से निराश हूँ, मैं खुद को गहराई से और पूरी तरह से प्यार करना, सम्मान करना और स्वीकार करना चुनती हूँ, और कोई भी जो इस मुद्दे में योगदान दे सकता है। यह सारी निराशा मुझे अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मुझे और आगे रहना चाहिए था, मुझे अब तक बेहतर परिणाम मिल जाने चाहिए थे, मैं बस अपने आप पर कोसते रहती हूँ, ये सभी चीज़ें मुझे अब तक कर लेनी चाहिए थी, और उसके बारे में यह सारी निराशा। और मेरा एक हिस्सा कहता है यह अच्छा है, क्योंकि अगर मैं काफ़ी निराश और हताश हो जाऊँ तो मैं वास्तव में अपना बटन वाला गियर ले लूँगी, यह अब तक काम नहीं कर रहा है, मुझे बस अपने आप में और अधिक निराश होने की ज़रूरत है, और वह सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग है, और ख़ुद को प्रेरित करने के बेहतर तरीके हैं हार मानने की इच्छा को छोड़ना। खुद से पूछ रही हूँ, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं सचमुच चाहती हूँ, और मैं इसे चाहने की सभी बाधाओं को दूर कर रही हूँ, उन अवरोधों को साफ करना जो मुझे धीमा कर देते हैं, उस प्रतिरोध को साफ करना जो मुझे पीछे खींचता है, तो मैं वास्तव में आगे बढ़ सकती हूँ, और मैं पहचान भी सकती हूँ, चीज़ें पूरी होने में वक्त लगता है, सब कुछ रातों रात नहीं होता, और कुछ चीज़ों में दूसरों की तुलना में अधिक समय लगता है। क्या इसमें सचमुच बहुत अधिक समय लग रहा है, और मैं ऐसी कोई भी चीज़ साफ कर रही हूँ जो इसे धीमा कर सकती है, और मैं निराशा भी दूर कर रही हूँ, निराशा दूर करना, भले ही मैं इसे धीमा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हूँ मेरी प्रोग्रामिंग के आधार पर, और मैं उस प्रोग्रामिंग को साफ कर रही हूँ जो मुझे रोकती है, इस सभी प्रोग्रामिंग सहित जो कहता है कि मुझे निराश होना चाहिए, जो कहता है कि मुझे हताश होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरी ऊर्जा ही छीन ली है, और मैं ऊर्जावान महसूस करना चुनती हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को साफ कर रही हूँ जो मुझे धीमा कर देती है, और मैं उस प्रगति को स्वीकार कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, भले ही इसका केवल यही मतलब हो कि मुझे वो प्रगति नहीं मिल रही जो मैं चाहती थी। इसने मुझे यह देखने के लिए प्रेरित किया कि कौन सी चीज़ मुझे धीमा कर सकती है, और यह मुझे इसे साफ करने की अनुमति दे रही है, तो मैं और भी अधिक हासिल कर सकती हूँ, मैं अपने आप पर एक एहसान कर रही हूँ, और मैं बेहतर से बेहतर होते जा रही हूँ, शरीर मन और आत्मा से। एक गहरी सांस लें। आप जिस पर काम कर रहे हैं उस पर एक नज़र डालें, फिर ये जांचें कि क्या यह कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में चाहते हैं, और यदि ऐसा है तो निर्णय लें कि आप इसके लायक हैं, और आप इसमें लगने वाले समय के लायक हैं, और चलते रहें। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।